हाय दोस्तों, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। दीपिका पादुकोण हो या आलिया भट्ट, इन दोनों को पीछे कर दिया है निया शर्मा ने। जी हाँ, हाल ही में एक बहुत ही फेमस लिस्ट आई, एशियन सेक्सीएस्ट वुमेन 2017 की लिस्ट। इस लिस्ट में बता दूं आपको कि निया शर्मा ने बाजी मारते हुए सेकंड पोजीशन हासिल की है। यहाँ पे आप सोचोगे यार अजीब सी अलग सी न्यूज़ क्यों बता रहा, तो इस न्यूज़ का मतलब मैं बताता हूँ। पिछले साल भी ये जो लिस्ट आई थी इसी तरह की, उसमें भी निया शर्मा तीसरे पोजीशन पे थी। उसके बाद निया शर्मा इतनी ज़्यादा ट्रेंड हुई कि लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं उस खबर की वजह से। जी हाँ, निया शर्मा ये है जिनको आपने जमाई राजा नाम के टीवी सीरियल में देखा होगा, उसके साथ ट्विस्टेड वेब सीरीज में देखा होगा जो यूट्यूब पे बहुत ही फेमस है, विक्रम भट्ट की। और निया शर्मा को सेकेंड पोजिशन इस बार मिली है, और फर्स्ट पे अगर कोई है तो वो है प्रियंका चोपड़ा, जो कई सालों से फर्स्ट पोजिशन पे है। और इन्होंने यानी कि निया शर्मा ने पीछे कर दिया है कैटरीना को भी, निया शर्मा ने पीछे कर दिया है आलिया भट्ट को भी। निया शर्मा एक एक्सपेरिमेंटल तरह के रोल्स निभाना पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बोल्ड रोल्स निभाए थे उनकी जो वेब सीरीज थी ट्विस्टेड में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि उस वेब सीरीज को देखिए। और निया शर्मा अपने आप में एक हमेशा कोशिश करते ही कुछ नया कुछ अलग करने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद करते हैं उनके स्टाइल उनके लुक के लिए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ ये खबर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है अब कि निया शर्मा ने वापस ये खिताब अपने नाम कर लिया है, यानी कि सेकेंड मोस्ट सेक्सीएस्ट एशियन वुमेन 2017 अब वो बन गई है, पिछले साल वो थर्ड थी। तो ये वीडियो जानकर कैसा लगा आपको जरूर बताइए। क्या लगता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की जो एक्ट्रेस है उनकी पहचान फीकी पड़ती जा रही है टीवी एक्टर्स के सामने, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर इतना ही, बाय।